शोएब, जल्दी से आपका भी एक रिएक्शन। विभूति नारायण जी को सुना आपने, श्वेता को सुना, मोहनीश को सुना, यहाँ पर रंजन सर को सुना, क्या लगता है कि अतीक को अतीक बनाने में बहुत सारे दूसरे लोगों का भी हाथ है? और जैसा कि वो कह रहे हैं कि अतीक इतना बड़ा माफिया नहीं बनता अगर उस पर सही समय रहते कार्रवाई हो जाती। नहीं देखिए, अभी जो करंट में वर्तमान में जो दो गवाही आपने लाइव टेलीविज़न में ली, एक पीड़ित जिशान है, दूसरे पीड़ित हमारे सामने बैठी हैं श्वेता, इससे तो सीधे सीधे तौर पर योगी जी की सरकार पर सवाल खड़े उठते हैं कि श्वेता के साथ जो जुल्म हुआ वो 2022 में हुआ, योगी जी की सरकार 2017 से है। ऐसा कैसे हो सकता है कि योगी जी की इतनी चुस्त दुरुस्त सरकार में भी गुंडे माफिया क्या वहाँ पुलिस के साथ सेटिंग कर रहे थे? क्या वहाँ पे उनको थाना मैनेज करना पड़ता था, आसान था उनके लिए, वो भी अतीक जेल में बैठ करके? बहुत गंभीर सवाल है कि जहाँ जेल में बैठा है वो भी भाजपा शासित राज्य, नैनी में जहाँ उनका भाई बैठा है वो भी भाजपा शासित राज्य, और जहाँ हो रहा है कांड ये भी भाजपा शासित राज्य। तो सवालों से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे लीडर होता या सरकार से कोई होता तो मैं ज़रूर पूछता, लेकिन चूंकि चैनल के माध्यम से जनता तक बात जा रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है जो मैंने कल भी कहा था कि असल में अतीक अहमद कोई मुसलमानों का या ऐसा कुछ ये मामला नहीं था। वहाँ पे बंदर बाढ़ चलती थी तो रण विजय जैसे लोग जिसके भुक्तभोगी ये भी हैं वो भी सब इसमें शामिल थे, और अतीक का एक कार्टल और नेक्सस जो लोग थे उसमें उनके कारोबारी संबंध लोगल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। मैंने धर्म के एंगल से तो कोई सवाल पूछा नहीं। मैं समय कम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने योगी सरकार पर सवाल उठाए, सवाल बनते हैं। मैं पूछ रहा हूं अतीक, जब अतीक माफिया डॉन बन रहा था और जब वो एक छोटा सा गुंडा हुआ करता था जिसकी गवाही यहां बैठे दो फॉर्मर डीजीपी दे रहे हैं, अगर उसी वक्त उस पर लगाम लगा दी जाती और उस वक्त का राजनीतिक नेतृत्व अगर इस पर उन पुलिस अधिकारियों का साथ देता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती जो जिस साम्राज्य की, जिस आपराधिक साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पिछले 20-30 सालों में आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड रहा है। हाँ, बृजेश पाठक जैसे लोग भी उस जमाने में बने, बृजभूषण सिंह जी भी ऐसे लोग बने और राजा भैया जैसे लोग भी उसी जमाने में बने। यही 30-34 साल की कहानी है। तो इतने बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर इस वक्त 108 माफिया योगी जी के राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संरक्षण में है, लगभग 450 मुकदमे उनके पास, हत्या बलात्कार लूट और बड़े बड़े गंभीर धाराओं में केस दर्ज। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से अगर आपने सरकार के साथ सेटिंग जमा ली तब तो आप वाशिंग पाउडर भाजपा में धुल के एकदम सही हो गए, संत हो गए। और अगर सेटिंग नहीं जमी राजनीतिक मामला बना रहे हैं और आप माफिया बने रहेंगे, पूरा राजनीतिक के साथ अनुभूति नहीं है। मैं उस सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ जो इस सिस्टम माफिया और रिप्रेजेंटेटिव।